हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काइजन इनोवेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि आप हो या फिर आपके फादर हो या आपका कोई सन हो या आपका कोई डॉटर हो या आपकी मम्मी हो या आपके कोई ग्रैंडफादर हो, कोई भी हो, जब कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं तब कार के डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड मतलब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे मीटर लगा हुआ होता है उसको कार का डैशबोर्ड कहा जाता है, वहाँ पर कुछ वार्निंग सिग्नल आते हैं और वो वार्निंग सिग्नल को हम इग्नोर कर देते हैं जो आगे चल के हमें बहुत बड़ी आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं। दोस्तों उन सिग्नल के बारे में हमको कम्प्लीटली जानकारी होनी चाहिए जब हम गाड़ी को ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 वार्निंग सिग्नल निकाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अगर ये सिग्नल आते हैं हमारी कार के डैशबोर्ड पे और हम इग्नोर मारते हैं तो हमें बहुत बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है, तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो शुरू से एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो को आपके फैमिली मेंबर में कोई भी गाड़ी ड्राइविंग कर रहा होता है, अगर आपको लगता है कि शायद उसको ये वार्निंग सिग्नल के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली उनको एक बार बता दीजिएगा ताकि वो जब भी कार ड्राइविंग कर रहे हो तो उनको ये इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का नया ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे है जिससे वो है इस तरह का दोस्तों जो वार्निंग आता है, इस तरह की जो की है उसको बोलते हैं इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह का यहाँ पे की जैसा ये सिंबल है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो सिंबल है वार्निंग सिंबल, ये तब आता है जब आपके गाड़ी का जो रेडिएटर है वो काम नहीं कर रहा होता है, जब गाड़ी का रेडिएटर कम्प्लीटली कूलिंग नहीं कर रहा होता है आपकी गाड़ी के इंजन को, तब ये आता है। तो अगर आप दोस्तों ड्राइविंग कर रहे होते हो अगर ये सिग्नल आपको आता है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों रोड पे से आपकी गाड़ी को साइड में खड़ी कर दीजिए और डेफिनेटली दोस्तों आप जब भी गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे होते हो तो आपके पास कम से कम 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए इस तरह की जो कार रेडिएटर का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए, या आसपास कहीं से आप मैनेज करके पानी लाइए। दोस्तों गाड़ी को कम से कम 30 मिनट तक खड़ी रखिए जब तक थोड़ा जो रेडिएटर है जो गर्म हुआ होगा वो थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी वानी डाल के उसको थोड़ा ठंडा कीजिए और उसके बाद रेडिएटर खोल के उसके अंदर पानी डाल दीजिए। दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपका रेडिएटर खराब हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपका जो रेडिएटर है उसके अंदर पानी ना हो, तो आप कम्प्लीटली पानी भर दीजिए, उसके बाद ये सिग्नल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। दोस्तों साथ में मैंने आपको ये सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि भाई मुझे रेडिएटर कहाँ होता है गाड़ी का मुझे नहीं पता है, तो दोस्तों एक काम कीजिए फिर तो आप है ना कोई आसपास के गैराज वाले को बुला लीजिए तो वो पानी वानी डाल देगा, या फिर आसपास किसी भी लोगों से आप पूछ सकते हो या गूगल भी कर सकते हो कि भाई ये गाड़ी का रेडिएटर कहाँ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्लस माइनस सिंबल है यहाँ पे बैटरी चार्ज वार्निंग लाइट। दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि आप जो आपके गाड़ी में जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही। तो दोस्तों कुछ लोगों को नहीं पता कि जब भी हम गाड़ी में अपनी बैटरी लगवाते हैं तब वो कैसा होता है दोस्तों, हम सेल मारते हैं जब और फिर लाइट यूज़ करते हैं गाड़ी का, सॉन्ग डीजे वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं गाड़ी में उस टाइम पे बैटरी में से पावर जाता है। दोस्तों जब हम गाड़ी साथ में चलती है ना तो वो रिवाइज होता है, जो आप अगर गाड़ी चला रहे होते तो उस टाइम पे जो बैटरी होती है गाड़ी की वो भी ऑटोमेटिक चार्ज होती रहती है, जैसे अपना मोबाइल चार्ज होता है इस तरह से बैटरी भी धीरे धीरे चार्ज होती रहती है। तो ये सिग्नल ये इंडिकेट कर रहा है कि हम आपकी बैटरी से पावर ले रहे हैं बट आपका जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रहा है, तो आसपास के गैराज के पास जाके या फिर अपनी बैटरी चेंज करवा लीजिए, ये शायद बैटरी के भी इश्यू की वजह से ऐसा होता है या फिर वायरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, इस तरह का ये इंडिकेटर आता है, ये एक टैंक है इसमें से फ्यूल निकल रहा है। दोस्तों इस तरह से ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट, दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, मैंने जूम करके यहाँ पे बड़ा किया हुआ, इस तरह का एक सिंबल आता है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपके इंजन में जो ऑयल है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से इंजन में जो एक सर्कुलर घूमना चाहिए वो प्रॉपरली घूम नहीं रहा है, तो आपको ये ज़रूरत है इंजन ऑयल डालने की।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, ब्रेक इस तरह का सिंबल आता है, ब्रेक वार्निंग लाइट। दोस्तों ये जो ब्रेक होती है वो अपनी नॉर्मल ब्रेक नहीं है, ये दोस्तों जो ब्रेक है वो हैंड ब्रेक के बारे में बता रहा है। एक्चुअली कैसा होता है कि कहीं काम हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं और कहीं पर शायद या फिर कुछ खुदा ना खास्ता कहीं किसी के साथ ऐसा हो बट ब्रेक फेल हो जाए, तब उसको क्या करना है, तब वो हैंड ब्रेक का यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो होगी और रुक जाएगी। बट आपने सपोज नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हो और आपने हैंड ब्रेक लगा दिया और फिर भी आप ड्राइविंग कर रहे होते, तो उसमें कैसा होता है दोस्तों, जो इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो धीरे 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 कम हो जाता है। खुदा न खास्ता आगे कहीं जाके ऐसा कुछ होगा तो आप जब ये हैंड ब्रेक लगाओगे तो वो हैंड ब्रेक लगेगा नहीं, क्यों, आपने ऑलरेडी उसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर था वो आपने बिना फालतू चला के उसका यूज़ करके रिमूव कर दिया। तो दोस्तों ये सिंबल आए तो खास ध्यान रखिएगा कि आपका जो हैंड ब्रेक है वो आप रिमूव कर दो अगर आपने ऑन किया हो तो। दोस्तों ये चार वार्निंग थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हम ड्राइविंग कर रहे हो तो ये आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग गए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, मदद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।